दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोटल्स में एक्चुअली कदीगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो आज के इस लेक्चर में हम जो है हमारा एक टॉपिक जो सेक्शुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। मगर एक्चुअली ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया था, आपने देखा होगा, तो बीच में से वीडियो लगट गई थी। रीजन था माइक थोड़ा सा डिसार्म हो गया था जिसकी वजह से ये जो कंटेंट था रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सेक्शुअल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या? देखो ये एक ऐसा तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होता है जब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है, तो उसके वजह से क्या ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टिकटॉक देखा था, अब टिकटॉक पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे, अब कंटेंट क्रिएटर्स थे सही बात है, अब वहां पे जो लोग वीडियोज बना रहे थे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, सारी चीज अच्छी खासी कर रहे थे, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल आया, एक नोटिस आया जहां पर टिकटॉक को बैन कर दिया गया। अभी टिकटॉक को बैन किया ठीक है, अब टिकटॉक को बैन किया तो जितने कंटेंट क्रिएटर थे टिकटॉक के पे वो हाँ हालांकि बाद में वो शिफ्ट हो गए दूसरी आपके एप्लीकेशन में, बट वहां पे जितने भी टिकटॉकर्स थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ये अनएम्प्लॉयड क्यों हुए? क्योंकि आपके कंट्री ऑफ इंडिया यानी इंडियन कंट्री में आपका क्या हुआ, आपके इकोनॉमिक जो कंडीशन है या फिर अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया और इसकी वजह से क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज होती, अब पहले हॉर्स कार्ट यूज किया जाता था लेकिन टाइम चेंज हुआ चीजें बदली, अब क्या आ गया आपकी रिक्शा आ गई, अब हॉर्स कार्ट को यूज करता है क्या जल्दी, नहीं यूज करता, अब हॉर्स कार्ट चलाने नहीं आता। अब यहां पे जान दो अब इकोनॉमी में एक चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, हम एनिमल्स को यूज करते अब हम क्या मोटर व्हीकल्स को यूज करने लगे एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सही बात है। अब जब मोटर व्हीकल्स को यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वहां हुआ एक ड्रास्टिक चेंज हुआ कि नहीं स्ट्रक्चर में, हाँ चेंज हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलेंगे, दैट्स इट नथिंग मोर। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तब आपका क्या आता है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ये सारी चीजें आज हम क्या कवर करें। सबसे पहली चीज आ रही जॉबलेस ग्रोथ। अब ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को क्या आजाद हुआ था, अब आजाद होने के बाद ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देश की जो पॉपुलेशन थी वो पहले भी बढ़ रही थी और अभी भी अच्छी खासी क्या बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन वहीं पे जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था यानी ग्रोथ रेट जो था पॉपुलेशन का वो जितना था उतना हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था। हाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेबर्स बढ़ रहे थे, इन जो ह्यूमंस थे उनका जो नंबर था वो अब बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उतनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही थी। हाँ एक साइड हम कहते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें हमारी जो कंट्री का आप बोलते ना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन जब हम पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो पॉपुलेशन के कंपेरेटिव नहीं है। ठीक है, जहां पे 10 लोग नए पैदा हो रहे हैं वहीं पे जो जॉब है वो 2 ही क्रिएट हो रही है, तो मतलब 2 लोग को जॉब मिल रही है और बाकी के जो 8 लोग है वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं आपका जॉबलेस ग्रोथ क्या बोलते हैं, ये सबसे मेन रीजन ये था। दूसरा क्या था, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ऑलरेडी मैंने बताया हमने देखा बर्थ रेट बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन डेथ रेट है वो क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है यानी कम हो रहा, पिछले चैप्टर में ही हमने देखा। अब जब बर्थ रेट बढ़ रहा है डेथ रेट कम हो रहा है यानी पैदा ज्यादा लोग हो रहे लेकिन कम मर रहे जो रहे वो कम ही लोग मर रहे, सही बात है। अब जो ऑलरेडी पैदा थे उनको ऑलरेडी जॉब मिली हुई है, लेकिन जो अभी अभी नए नए पैदा हो रहे या फिर नए यंगस्टर्स हैं उनको जॉब मिल रही है क्या, उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उस हिसाब से नहीं है, बर्थ रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ रहा है क्या, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उतना बढ़ रहा नहीं है, और जो पॉपुलेशन है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और उस हिसाब से जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उतनी नहीं बढ़ रही है, तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट बोलेंगे इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तो दूसरा क्या होता है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, अब हम जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें जो टेक्नोलॉजी है वो नई नई टेक्नोलॉजी एमर्ज हो रही है, आज हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा पैसे कमाए, जिसका खर्चा लगे वो कम खर्चा लगे, तो अब वो क्या कर रहा है नई नई मशीनरी का यूज कर रहा है, और मशीनरीज क्या करती है जहां पर एक बंदा एक घंटे में एक प्रोडक्ट बनाता है वहीं पे एक मशीनरी एक घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाती है, तो कोई भी जो इंसान होगा या फिर कोई भी जो ओनर होगा वो क्या सोचेगा भाई मैं मशीनरी को लगा देता हूँ वो एक घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाइए मैं 10 प्रोडक्ट बचूंगा मुझे फायदा अच्छा खासा होगा, सही बात है। तो क्या कर रहा है ह्यूमंस को मशीनरी से क्या कर रहा है रिप्लेस कर, अब जब ह्यूमंस को मशीनरी से रिप्लेस कर रहा है तो वो जो ह्यूमन है जो बंदा है जहां पे 10 लोग काम करते थे वहां पे अब कितना बंदा काम करेगा, 2 बंदे काम करेंगे जो मशीनरी को अच्छे खासे क्या संभाल सके, आया ना, हाँ सर सही बोला आपने, बाकी के जो बच्चे 8 लोग हैं वो 8 लोग क्या हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो यही हो गया एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी।
ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्रिएट हो गया। फिर लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब अगर मैं बात करूं तो अपने वोकेशनल कोर्सेज सुने होंगे, सही बात है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, टेंथ हम पास करते हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ चॉइसेस, वी कैन गो फॉर कॉमर्स, वी कैन गो फॉर साइंस, वी कैन गो फॉर आर्ट्स, वी हैव ऑल्सो ऑप्शन फॉर वोकेशनल स्किल। लेकिन मैं जब वोकेशनल स्किल की बात करता हूँ तो वोकेशनल स्किल में जो एनरोल करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर क्या जो लोग होते हैं। ये रीजन क्या है? रीजन ये कि वोकेशनल स्किल्स के जो कोर्सेज होते हैं वो इतने डेवलप नहीं है, लोगों के बीच में इतनी जागरूकता नहीं कि भैया वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट करके ऐसा कोई कोर्स भी होता है जहां पे आपको फ्यूचर में जो करना है वो आपको टेंथ के बाद से ही आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम सारी चीजें बताई क्या जाने लगती है, ठीक है। ये लोगों के बीच में नॉलेज ही नहीं है, और कहीं ना कहीं जब लोग ग्रेड होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेड कर लेते हैं फिर वो जॉब के लिए आते हैं तो उनके पास स्किल ही नहीं होता, और कहीं ना कहीं यही एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपका जो है डेवलपमेंट नहीं होता, लोग आपका क्या करते हैं आपका जॉब पे रखते नहीं है। फिर एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, हम जानते हैं एजुकेटेड यूथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैं एक एजुकेटेड यूथ हूं, मैं एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा हूं, अब जब मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने पोस्ट ग्रेड किया, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम पीएचडी की, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि भैया अब मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मुझे एक व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिलेगी, बड़े पोस्ट पर जॉब मिलेगी, अच्छा खासा मुझे क्या पैसा मिलेगा। लेकिन रियलिटी में अगर बात करूं तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं, ठीक है। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे जॉब स्टार्टिंग में नहीं मिलती। हाँ, तीन चार साल पांच छह साल बाद मेहनत करेगा बाद मुझे अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, बट एट द स्टार्टिंग मुझे बहुत लो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत सारे यंगस्टर्स को समझता नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन रहते हैं मुझे हाई सैलरी चाहिए, अच्छा खासा पोस्ट चाहिए, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें चाहिए, और वो इसी चक्कर में क्या कहते हैं, जो जॉब मिलती रहती है वो जॉब को लेते नहीं है, वो जॉब को नहीं लेते और वो रुकते हैं कि भैया एक दिन आएगा जहां पे मुझे मेरे हिसाब से क्या जॉब मिलेगा, मेरे काम के हिसाब से मुझे सैलरी मिलेगी, तो ये एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, आपके बिजनेस नहीं ओपन करते, और वो क्या रह जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्लियर हो गया? सीजनल नेचर ठीक है ऑफ दी एग्रीकल्चर। अब मैंने बताया एग्रीकल्चर जो पूरे साल चलता है कि नहीं चलता है, मॉनसून सीजन में चलता है। रीजन क्या है? सिर्फ मॉनसून सीजन में। अब अगर मैं बात करूं तो उतना अच्छा इंफ्रा डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मॉनसून सीजन में कैसा बारिश होती है, लेकिन बाकी सारे सीजन में इरिगेशन फैसिलिटीज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बट मेन रीजन इज दैट कि इरिगेशन फैसिलिटीज आज भी इंडिया के कई सारी जगह जहां पे डेवलप नहीं है वहां के जो फार्मर्स सिर्फ मॉनसून तक एम्प्लॉयड होते हैं और पूरे साल भर क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। दूसरी चीज ये होती है सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है कि बारिश के बाद भी क्या उसको यूज किया जा सके। फिर तीसरी चीज यहाँ पे ये होती है टेक्निक्स जो डेवलप हुई है टेक्निक्स के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है और जिसकी वजह से क्या होता है बाकी पूरे साल भर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड क्या रहते हैं, ठीक है। और स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का वो बहुत कम है। अब इरिगेशन जो फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स अच्छे खासे अवेलेबल नहीं है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ है वो अच्छा खासा नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो पा रहा है क्या, इंडस्ट्रियल एक्सपांशन नहीं हो पा रहा, और इसके वजह से जो अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की वो भी लोगों को मिल नहीं पा रही है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, हम देखते हैं कि आज कई सारे जो लोग हैं वो अपने गांव को छोड़कर कहां पे आते हैं, शहर में आते। अब गांव में तो अनएम्प्लॉयड थे, अब शहर में आते क्या ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए आते। अब जब गांव के सारे जो बंदे पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में आ जाएंगे तो बट ऑब्वियसली बात है जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसकी कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब जो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा जॉब की अपॉर्चुनिटीज कंपैरिजन में तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना क्या चालू हो जाएगा, लोगों के फेवर में चीजें नहीं रहेंगी और इस वजह से क्या होता है अर्बन पॉपुलेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉजेज बताए थे कि किस रीजन से जो है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी, ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे 9 से 10 मैं फटाफट बता दो, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, ये बस नाम दिया है। क्या दिया? एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसके ईजीएस भी बोला जाता है। ये आपके इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किया था, कभी 28 मार्च 1972 में क्या किया गया था। अब इस आपके अगर मैं बात करूं स्कीम का मेन मोटिव क्या था कि ये क्या करे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोड्यूस करे आपके रूरल पॉपुलेशन के लिए और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, उसे क्या सॉर्ट आउट करे। अब स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल करवाने की क्या पूरी कोशिश करती है। अब महाराष्ट्र में ये सक्सेस हुआ
तो महाराष्ट्र में जब इसका सक्सेस देखा गया तो बाकी सारे स्टेट्स में भी क्या इसको इम्प्लीमेंट करना गया, चालू कर दिया गया। फिर आता है, अब जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ उतनी चीजें आपको याद रखनी और आपका नाम याद रखना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, जिसे SGSY भी कहा जाता है। ये लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 1999 में हुआ था। जब क्या हुआ था? जब आपके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या रिस्ट्रक्चर किया गया था, तो उसी के अंदर ये प्रोग्राम जो था, आपका स्कीम जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव सिर्फ क्या है? ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी रूरल पॉपुलेशन को क्या मोटिवेट करती है, उनको हेल्प करती है, भैया आप क्या करो, खुद के बिजनेस खोलो, जहां पे आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद से बिजनेस चला सकते हो, खुद से एम्प्लॉय क्या बन सकते हो। फिर आता है स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना। अब ये जो स्कीम था ये कभी लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया था दिसंबर 1997 में, ठीक है। यहाँ पे ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोवाइड करता है कि उसको अर्बन अनएम्प्लॉयड एरियाज को, एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जहां पे जो लोग है वो क्या स्किल्स अक्वायर कर सके, ठीक है। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी उसने क्या आपका क्या क्या अटेम्प्ट क्या करवाया। अब स्कीम के तहत आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% जो है 75% इस प्रोग्राम का खर्च क्या खर्चा उठाती है, और बाकी के जो 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या उठाती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अब ये जो स्कीम था 1993 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या वो डेवलप की जा सके। किसके लिए? मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब आपकी जो 10 लाख आपके जो अनएजुकेटेड सॉरी 10 लाख जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। फिर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब यहां पे बात करूं तो ये जो प्रोग्राम इनिशिएट किया था 1979 में इनिशिएट किया था, किस ऑब्जेक्टिव से? आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के मोटिव से। अब इसका मेन एम क्या था? ताकि वो 2 लाख जो रूरल यूथ है हर साल उनको क्या कर सके, ट्रेन कर सके और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड क्या बना सके, ठीक है। बाद में ये जो प्रोग्राम था एमर्ज किसके द्वारा हो गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कभी अप्रैल 1999 में, ठीक है। फिर आता है जवाहर रोजगार योजना। अब 1 अप्रैल 1989 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ने नई वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो थी इस्टेब्लिश की थी। अब जो जवाहर रोजगार योजना है वो एक इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जहां पर 120 डिस्ट्रिक्ट में 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जहां पे आपके डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था उसको क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही थी। अभी इफेक्ट से अप्रैल 1999 में इसे रीनेम किया गया, क्या? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है। फिर आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। अभी कभी हुआ 2 अक्टूबर 2009 में क्या इस्टेब्लिश हुआ था और इसको बाद में रीनेम कर दिया गया, क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये स्कीम क्या कहता है? आपके कम से कम 100 दिन का आपको जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अवेलेबल करवाता है, उसको एम्प्लॉयड रखने की कोशिश करता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जहां पे हर एक जो मेंबर है आपके एक घर में जो एक मेंबर होता है उसे क्या किया जाता है, उसे आपके मैनुअल वर्क करने के लिए और साथ ही साथ उसको स्किल्ड अपॉर्चुनिटीज क्या प्रोवाइड क्या की जाती है। अब फिर उसके बाद आता है आपका क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है जहां पर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये अनाउंस को भी किया था सितंबर 23, 2014 में। अब ये मिशन था क्या, पॉवर्टी को कम करने के लिए और सक्सेसफुली आपके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है रेगुलर वेजेस के बेसिस पे क्या डेवलप करने की क्या कोशिश क्या यहाँ पे की जा रही थी, ठीक है। अब जो फोकस था इस प्रोग्राम का वो क्या था, रूरल यूथ पे और पुअर फैमिलीज को क्या डेवलप करने का, और मेनली जो लोग एज ग्रुप 15-35 ईयर्स में आ रहे हैं उनको ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेल करवा सकते, इस प्रोग्राम का क्या मेन मोटिव था। फिर आता आपका क्या, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। इसमें एक्सप्लेन जैसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको डेट्स और आपको बस नाम याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। पहला जो नेशनल पॉलिसी था आपका स्किल डेवलपमेंट का, कभी नोटिफाई हुआ था, कभी आया था 2009 में आया था, ताकि टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विया इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स, ठीक है, ताकि जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स है वो क्या कर सके, वो इस चीज में क्या पार्टिसिपेट कर सके आपके अलग अलग जो फंडिंग मॉडल्स है उसके उसके मदद से। अब जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो क्या था कि वो कोऑर्डिनेट कर सके और बाकी सारे जो फैक्टर्स है उसको क्या स्ट्रेंथ कर सके, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। अब इसमें इंक्लूड क्या होता था, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, फिर साथ ही साथ जो आपका क्या है, हाँ, फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एज अ करियर ऑप्शन और भी ज्यादा क्या एनहांस किया जाए,
फिर साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वुमेन्स के बीच में भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अभी इंट्रोड्यूस किया था आपके जनवरी 2016 में, ताकि क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा क्या आपका एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो पॉपुलेशन जो शिफ्ट हो रही है फॉरेन कंट्रीज में उसको रोका जा सके, ठीक है। फिर उसके अलावा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी इस ऑब्जेक्टिव का मेन स्किल मेन मोटिव क्या था, स्किल डेवलपमेंट को क्या करना है, एनकरेज करना, ठीक है, ताकि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल सके उनको। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बजट जो रखा था 12,000 करोड़ का इसके लिए बजट रखा था 2020 तक, ये स्कीम जो था चला था। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो पूरा जो चैप्टर आपका खत्म हो गया, बस इसमें ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे आपको रीड करने वाला था, पॉलिसी जो था, बाकी उसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, समझने जैसा कुछ नहीं था। आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझी होंगी। और यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया, अब बच्चे आपके रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जिसका ना 8, 9, 10 वो भी आपके आने वाले दिनों में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।